नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखिएगा पहला रूल क्या लगेगा आपका, इस जगह साइक्लो भी लगेगा, साइक्लो का मतलब सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक है ना। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले तो आपको ये देखना है इस जगह कि एक साइकिल है और एक ओपन चेन भी हो सकती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन, सही है, साइक्लो प्रोपेन। अब इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, सही है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हाँ बोलो बेटा, साइक्लो क्यों बोले पता चल जाएगा। देखो इसमें कम कार्बन है, इसमें भी कम है, अभी तक दो हैं, इसमें बराबर आ गए, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस क्या रहेगी, किसमें ज्यादा कार्बन है। तो अभी तक अगर दोनों में बराबर है तो मेन चेन हमारी साइक्लो वाली ही रहेगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया चार कार्बन ऊपर आ गए तो यहां हमारा नाम चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल, ब्यूटेन। तो यहां से चेंज होगा, लेकिन यहां तक तो हमारा काम चल ही जाएगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ अब क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड, बस। तो अब आपके लिए नंबरिंग यहां से कर लो, भले ही आप 1 2 3 नहीं 1 2, इज दैट क्लियर, 1 2, दो ही कार्बन की चेन बनेगी अब। तो 2 पे क्या आएगा आपके पास, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथीन, बस, सो इजी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, अब तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों जगह बराबर है, साइक्लिक को फर्स्ट पाइडी क्योंकि वो लॉन्ग है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3। ध्यान रखना डबल बॉन्ड को कवर करते हुए जाना है, ये नहीं कुछ बच्चे ऐसे बेवकूफी करते कि 1 यहां पर दिया, 2 सर ये देखो डबल बॉन्ड दिख गया, कवर करते हुए जाना है, इज दैट क्लियर। तो ये जो ग्रुप बनेगा वो 3, अगर गलती से आपने नंबरिंग इधर से कर दी तो 1 2, जो कि गलत होगा। तो साइकिल के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको कवर करते हुए आगे जाना है, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें या याद रखें। तो क्या हो जाएगा, 3 पे क्या है, 2 ही कार्बन है, इथिनाइल 3-इथिनाइल साइक्लो प्रोपीन, बस साइक्लो प्रोपीन, आ रही है बात समझ में, 3-इथिनाइल साइक्लो प्रोपीन, ऐसे सोचना है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, इस तरह के एग्जाम्पल में। अब बताओ इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं क्लोरीन से, ब्रोमीन से, फ्लोरीन से, आप बताओ, क्लोरीन से ही श्योर, क्यों भाई, ब्रोमीन बीआर से चालू है, समेशन रूल, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, 1 2 3 4, अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, और कहीं और से करोगे और ये कितना आएगा, 4 5 6 7, बाकी सब जगह करना आपको 8 या 9 दिखाई देगा, चाहो तो करके देख लो, फ्लोरीन से करके देखोगे तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 8 हो जाएगा, ब्रोमीन से करके देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 8, तो मिनिमम रूल कौन सा है, ये। अब लिखते वक्त ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, 2 ब्रोमो
वन क्लोरो फोर फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन। हाँ या ना, लिखे इसको जल्दी से। हाँ दो में तो वैसे ही पता चल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अब बताओ कहां से, अब इसका नाम क्या होगा? डबल बॉन्ड को कवर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्या ये सही है? क्या देखिए समेशन रूल देख लो, बाकी सब तो सेम है ही। थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स कितना हुआ? थर्टीन, सही है ना? दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री, क्योंकि डबल बॉन्ड का तो कवर करना ही है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो क्या है? थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स, सही था। क्यों गलती हो रही है हमसे? ये सही है ना? तो अब नाम देख लो इसका, क्या लिखोगे? सिक्स ब्रोमो फाइव क्लोरो थ्री, फाइव क्लोरो या फोर क्लोरो? ये सही था, थ्री ब्रोमो सिक्स ही था। अच्छा हाँ, सिक्स ब्रोमो फोर क्लोरो थ्री फ्लोरो हेक्स साइक्लोहेक्स, वन ही होगा इनके अंदर, तो जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में?